डेजर्ट सफारी चालू हो जाएगा, आज एक रात गुजारेंगे उधर। डेजर्ट सफारी के लिए हमें लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना था। बैट सिग्नल किसने दिया है? रास्तों का भी अलग ही मजा होता है, उबड़ खाबड़ जमीन और बीच में कहीं दूर कोई पेड़। लेकिन ये भी सही है, हम है भी जैसलमेर में। यार सबसे सेफ तू है। No hurry, no worry, no chicken, no curry, don't worry, be happy. No wife, no life. Hey, Damodar sir. Damodar sir. Jogi bhaiya. And camel man in the body cell. Camel body, let's go body. Do-do-do, camel body, let's go body. Tu kahan se? Huh? Tu kahan se? Where do you look from, bro? Am I acting kind of hell? Yeah. Man, from rich brat. That's why he's wasting water. Actually, I'm not from this country, man. Like, there's a lot of war in my country. That's the reason. क्या नाम यार उसका, मैं भूल गया। My name is Jack. Now, पानी के अंदर कौन सा वाला है? Aqualand, Aquaman, Aquaman. Hello, जोगो भैया पेक लगा हो था। भैया पेक पीने वाले अभी। Actually, it's too cold in my country, so I don't have a paying man. I said, so that's the reason, man. See ya. See you in next country. Bye. Welcome to my vlog. Please subscribe. भैया पहले क्या खा के आए? जस्ट अ बिस्किट। रेगिस्तान की रेत में ही नशा है। देखो मैं हिंदी सीख गया। मैं कितनी इंग्लिश बोल रहा था, मैं हिंदी सीख गया। लाओ भाई साहब, ये है वो आप जो ग्लास। डेजर्ट में पहुंचने के बाद सबसे पहले स्वागत होता है चाय से, जो ऊंट के दूध से बनती है, और फिर खाने की तैयारी। सब लोग फोटो खींचने में बिजी थे, बट मुझे और यश भाई को दीना भैया और जोगी भैया के स्टोरीज में इंटरेस्ट था। ढेर सारी बकचोदी चल रही थी हमारी। दीना और जोगी भैया टूरिस्ट लोगों की कहानियाँ सुना रहे थे। आई होप वो हमारी कहानी किसी और टूरिस्ट को ना सुना। वैसे मौसम काफ़ी बढ़िया था, चारों तरफ शांति और दूर दूर तक सिर्फ रेत और खूबसूरत सा सनसेट। चारों तरफ गोल्डन कलर छाया हुआ था, और तभी मुझे समझा कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है। आपको ये चीज़ समझने के लिए डेजर्ट सफारी ज़रूर करनी पड़ेगी जैसलमेर में। दीना भैया आज खाने में बनाने वाले थे मिक्स वेज, फुलके, पकोड़े, दाल फ्राई और राइस। वो हेड शेफ भी थे, ड्राइवर भी थे और टूर गाइड भी थे। वैसे जोगी भैया और दामोदर साह एज असिस्टेंट उनको हेल्प भी कर रहे थे। ठंडी कब चालू होगा? 10-15 दिन। यानी अभी रात में कब ठंडा होना चालू हो जाएगा? ये तड़का लगा रहे हो? दाल तड़का। दाल को लगा रहे हो, हमको लगा रहे हो? नहीं, अभी रात में ठंडा नहीं होगा क्या? नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, रात का तो कुछ ज़्यादा फुटेज है नहीं, क्योंकि कुछ कैमरा में दिख ही नहीं रहा था। बट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। यहाँ पे खाना खाया था, अभी बारी है द क्रस्ट विलेज की, वहाँ पे जाएंगे अभी अपन। बट काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। जैसलमेर आओ कभी तो आ जाना है यहाँ पर। मुस्ताशाज हॉस्टल पर कॉन्टेक्ट कर लेना, इनका प्राइवेट डेजर्ट है। सो दे हैव बुक्ड दिस एंटायर प्लेस, दे हैव टेकन इट ऑन लीव। यहाँ पे उनके अलावा कोई है नहीं यार। अभी वक्त था कुलदरा विलेज देखने का। डेजर्ट को टाटा बाय बाय करके हम लोग निकल पड़े। हमारे साथ इसी गांव की एक वंशज थी, और जिससे हम आगे सुनेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था और क्यों इसे कर्स्ट विलेज कहा जाता है। बट पहले हम गए दीना भैया के घर पर, ये देखने के लिए कि इतनी गर्मी में दीना भैया कैसे रह लेते हैं। यहाँ पे क्या? यहाँ पे हे गर्ल। अरे अच्छा, अभी बेबी हुआ है क्या इसको? अभी हुआ। अभी मतलब कभी हुआ? अभी अभी अभी। अरे थोड़ा मिस कर दे, अभी उसको साफ तो करो।
वो एकदम ये पेशाब हो गया। आराम से आराम से आराम से। बकरा है क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी है? स्टोरी यही है कि राजा है ना, वो ना उसने बोल दिया कि इसके जो गांव में होता है हमें ये खुनावा थोर नहीं खुनावा थे छोड़े क्या थोर है कि बच की रह लिए कर थोर गोट मेरा मत लेना लो नहीं खार जी घूमना है डो थोर बच की रह लिए ले सब वो आ गए अबे कहीं को ये फोटो नहीं खा दे 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 हेलो हेलो फोटो पांच सौ हमें जमा इतिहास बताओ अब क्या आप कब कर इतिहास बताओ मारो हिंदी में बता देना हां अब नहीं बोलेंगे कुछ पता अब लालच बुरी बला है दादी तो बिना पैसे के बैठने भी नहीं देते यहाँ पे और दादी भूल भी बहुत जल्दी जाती है कि किसने किसने पैसे दिए बहुत सारी मिन्नतें करनी पड़ी भाई इनको कि बताओ कि क्या स्टोरी है क्या हुआ था यहाँ पे बट दादी इतने आसानी से मानने वालों में से नहीं थी सब इतनी तपती धूप में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि दादी अब बताएंगी तब बताएंगी फाइनली हमने दीना भैया को आवाज़ दिया और फिर उन्होंने दादी को मनाया कि बता दो कि क्या हुआ था यहाँ पे उससे नहीं सेनापति सेनापति से सेनापति से प्यार हुआ था एक मिनट अभी सुना रही है ठीक है बड़ा 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 की लड़की है थी माँ सुंदर फूटर ये पियानो को लेता दे 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 सब दे अरे दे अरे सब दे दे आप स्टोरी तो बताओ पहले तो लड़की है पक्के मारवाड़ी है पैसा 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 वाह वाह भाई वाह सुनो लड़की का नाम था लुकमणी लुकमणी का नाम था बहन मुखिया ये गांव का हां हां वो सरपंच बोलते हैं एक मिनट हां हां गांव का मुखिया था लड़की का नाम था लुकमणी अच्छा अरे ये भाई ये तेरी ना वो लड़को तेरा गांव पड़े था घर पायो तेरा तालो नीड़ो आडो बैठो खा ये गाडो पायो ऊंट गाडा पाया भाई पर नीचे को नहीं हमें हंसा ही दो करा ओके तो की करा या बाउरी करा फरंगी कौन था रुक्मणी तो लारे पीछे लगा सालम सिंह राजा राजा था या सेनापति मुनीम था मुनीम सालम सिंह मुनीम तो राजा लारे लगो तो थोड़ी बोली थोड़ी के मैंने बिना करनो तो छोरी कहो के ना मैं बात नहीं कर घर पर मेरा माँ बाप बैठा उसको बात कर ले मैं बात नहीं कर तो माँ बाप ने पूछो पूछोगा क्या तुम मनो बिना करा दो मनो तो कहना भाई मेरी लड़की नहीं दो मेरे दादा का दादाजी ने ना इसी गांव में शादी की थी दादाजी ने लड़की के लिए खाली होया तो आया तो बोल कर के आया तो ब्राह्मण बोलिया तुम रात की उठाई वो बोला सालम सिंह बोलिया के रात की ले जाई रात लेके जाऊंगा तो यहां भाव उठ जो भाई मारी ब्राह्मण ने लड़की ले गया तो भारी तो नाक कटनी हो जाए हां सही है तो रातों रात में धन माल छोड़ कर के तोड़िया सी गांव लोटे में पानी डाले के लिमक डाल लोटे में पानी डाल या हाथ में से डाल लेना सबके आनाया उसको आनाया कि आओ भाई मेरी बात भाईचारे में आए मेरा न्याय करो चंटा करो नहीं तो लड़की तो दे जाएगा तो आ गया चंटा करया तो वो लोटे से पानी लिमक डालया वो लोटे में डालया पानी पीने वाला लोटा वो से डालया हमने कुल बोल दिया बिना मत फसे निकल बांडिया अने वसे मार कर तू बांडिया सामने मार वो तेरे बीडिया फट फट में दे दे बांडिया हाय तू मरी पता कहीं ना बीडिया याद करी सेंड करी जरा अच्छा फ्लो चल रहा था दीना जी आपने बिगाड़ दिया ये दीना भाई अपनी दीना भाई ने उंगली कर दी आज भी इसकी दादी के आंसू में प्यार में रोता है वो चली गई
माइक आई थिंक साल में डुबा है इसके बाद ओए घर चले जाई घर चले जाई डाउन को दादा देर मत लगाती हूं तो मैं भी ये जो कुलधरा के विलेज के जो सालीवाल से उन्हीं की डिसेंडेंट हूँ तो जैसे यहाँ पे अभी वो जो बुढ़िया ने स्टोरी बताई तो एक हमारी भी इससे समवट सिमिलर है बट हमारी थोड़ी अलग है। अच्छा। तो हमारी स्टोरी में ये था कि कुलधरा के विलेज में जो भी पालीवाल रहते थे उसमें जो मुगल मतलब जब मुगल का राज आया था तो उनको ये विलेज अपने अंडर में कैप्चर करना था। और मतलब तो फिर बट यहाँ के जो पालीवाल थे उनको इंडिपेंडेंटली रहना था तो पर फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि उन्होंने उनको धमकी दी कि अगर आप ये हमारे अंडर में नहीं दोगे तो फिर लाइक यहाँ पे जो तालाब है जिन्होंने खुद से बिल्ड किया था उसमें हम गाय काट के डाल देंगे। अच्छा तो और वो वही वाला तालाब है क्या जो अपन देख के आ गए? नहीं नहीं वो अलग है। अलग है। अच्छा। यहाँ पे पहले ही था। अच्छा। अभी बावड़ी भी दिखेगी आपको। हाँ। बावड़ी की स्टोरी अलग है। हाँ। वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ। तो उसमें तालाब में गाय काट के डाली है क्योंकि और फिर मतलब ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि बहुत सारे लाखों भगवान रहते हैं गाय के अंदर। तो फिर भी नहीं माने और हुआ क्या कि राखी वाले दिन ही रक्षाबंधन था उस दिन और फिर उसी दिन सुबह कोई आए उन्होंने लेक में लाल कलर डाल दिया। अच्छा। नहीं डालती थी वो कलर आया पर लोगों को लगा गांव वालों को कि गाय काट के डाल दी। गाय काट के डाल दिए उस चक्कर में मतलब लड़ाई हुई जैसा हुआ काफी लोग मरे भी उस दिन पाली वालों के और फिर नेक्स्ट डे यहाँ से छोड़ के सब निकल गए। तो बहुत सारा सामान यहीं पे छोड़ के गए थे और जब निकले तो उन्होंने श्राप भी दिया था कि मतलब जो भी यहाँ से अगर एक पत्थर भी यहाँ का एक सामान भी कोई उठा के लेके जाएगा फॉर देयर ओन पर्सनल यूज तो वो उनकी पूरी नेक्स्ट जनरेशन खत्म कर देगा। जो भी पैसा है बिजनेस है सब कुछ मतलब वेलनेस खत्म हो जाएगी फैमिली इन शॉर्ट। और मतलब दिस इज जस्ट ऑफ द स्टोरी बट आई नो जो मैंने बोला इट माइट बी लाइक यू नो लिटिल बिट ऑफ चाइनीज विस्पर बिकॉज मैंने मेरी दादी जी से बहुत सालों से मुझे याद भी नहीं है तो बट हाँ ये जो एंड वाला पार्ट है दैट इज रियल स्टार्टिंग की स्टोरी यू नो माइट बी डिफरेंट डिपेंड्स। हाँ आज का किस्सा यहीं तक था। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ यल्ला हबीबी कम टू जैसलमेर।